जी अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। 9 सुबह सुबह के टाइम है, ठीक है, और बारिश कीचड़ वही एज यूजुअल। यहाँ पे जो जितने भी यार्ड होते हैं मोस्टली उन पे ये कीचड़ वगैरह तो नॉर्मल है, ये तो नॉर्मल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा कोई नहीं होता कि यार्ड आपको कोई जो है ना प्रॉपर जो है स्क्रीड हुआ हुआ या कंक्रीट हुआ हुआ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ भी आप जाएंगे आपको ये कीचड़ आपके साथ ही साथ रहेगा, ये आप इसी के साथ ही रहोगे। शूज़ गंदे होने हैं, आप गाड़ी में भी जाना है, जैसे देखे गाड़ी की हालत क्या है, गंदी है। जितना भी हम साफ कर लें इसने डर्टी होना ही होना है। क्यों होना है? क्योंकि जब हम किसी भी जगह पे घुसते हैं यार्ड के अंदर, तो ये चीज़ें हमारे पास जो है ना फेस करनी पड़ती हैं। एक चीज़ थी वो भी मैंने कहा चलो स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको। जैसे कोई भी हम ट्रेला उठाते हैं तो हम उसकी इंस्पेक्शन करते हैं पूरे ट्रेले की, ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देते हैं। नीचे से लाइट्स वाइट सब चेक करते हैं। सम टाइम ट्रेले के ऊपर ये देखें, ये आप देखें ट्रेला कितने हिट हुआ हुआ है। ये है इतना माइनर सा है, इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें कंपनी को इन्फॉर्म करना होता है किसी भी सूरत में, कि बताना पड़ता है कि भाई ये इशू है, ताकि उनके नॉलेज में रहे। अगर हम नहीं बताते या कुछ हैपन हो जाता है तो वो सिर्फ हमारे खाते में आ जाएगा। तो सफ़र स्टार्ट करते हैं, पहले से क्या अभी प्री ट्रिप हो रही है, पूरा इंस्पेक्शन मैंने कर लिया, सब चीज़ें चेक कर ली हैं, तो मैंने कहा चलो 2-4 मिनट की वीडियो बना लेते हैं। तो आगे का सफ़र जैसे भी होगा तय होगा, वो आपको साथ साथ चलते रहेंगे और इन्जॉय करते रहे मेरे साथ, मज़े ले लें यार कनाडा के। देखें जो भी मैं दिखा सकता हूँ कनाडा का वो देखें, बाकी आप यहाँ आएँ, आ सकते हैं भाई, सब लोग आ सकते हैं, ट्राई करें कनाडा, विजिट वीज़े पे आ जाएँ, वो तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ आके बहुत सारी जॉब नॉलेज हर चीज़ आपको मिलेगी। अच्छा जी, ये हम लोग आए हैं जी कंट्री साइड में आज, फिर ये देखें ये कंट्री साइड पे ये लगा हुआ है रोड के ऊपर जो है ना सिग्नल लगाया हुआ है इन्होंने, कुछ मेंटेनेंस चल रही है तो उस हिसाब से सिग्नल जो है टेम्परेरी सिग्नल इसको कह लें हम लोग, ये टेम्परेरी सिग्नल लगाया इन्होंने और चल रहा है। तो ये मैम को भी बोला हाई किया हमने कि अच्छा ये काम चल रहा है, सॉरी ये इलेक्ट्रिक का काम भी चल रहा है, इसलिए टेम्परेरी सिग्नल लगा के इस एरिया को उन्होंने डिवाइड किया हुआ है। देख लें ये गांव है, गांव कंट्री साइड है, तो लेकर देख लें यहाँ भी प्रॉपर सिस्टम से काम होता है, ऐसे नहीं कि भाई चल गया तो चल गया, जाए कोई ना जाए, गाड़ी चलती रहे लगती रहे किसी को, नहीं सिस्टम से काम होता है। कैनेडियन है स्लो लेकिन चलते सिस्टम के हिसाब से। आगे हमें तो बड़ी जबरदस्त जगह लगी, ये भी कंट्री साइड पे, यहाँ पे फार्म्स हैं बहुत बड़े बड़े, आगे चलते हैं देखते हैं क्या होता है। यार यकीन माने यहाँ दिल कर रहा है बाहर चरपाई डाल के ना बंदा तो यहीं सो जाए, घर देखे घर कंट्री साइड पे एक से एक खूबसूरत घर है, बाहर उन्होंने पूरा ग्रीन किया हुआ है, घर के बाहर पौधे लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं। मैं कहता हूँ टोरंटो से ज्यादा खूबसूरत ये जगह है। टोरंटो क्या है ये देखिए, खूबसूरती तो यहाँ है कैनेडा की, असल खूबसूरती तो इधर है कंट्री साइड पे। थोड़ी मेरी विंड स्क्रीन साफ नहीं है, इतना अच्छा नहीं आ रहा, लेकिन ओए ओए क्या जबरदस्त सीन है यार। जी भाई एक्चुअली हम लोग इस जगह से जहाँ से हम लोग गुजर रहे हैं, तो अभी तो व्यू बहुत अच्छा है, सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा भी आगे जाने के बाद ना, तो हमें एक चीज़ का जो है ना आइडिया क्या हुआ बल्कि हमें पता ही नहीं चला। अभी सफ़र के दौरान हम चलते चलते हम आगे जा रहे हैं, तो आगे जाते जाते तो एक प्लेस पर हमारा GPS ने काम करना छोड़ दिया, तो हमने सोचा पता नहीं शायद लोकेशन आ गई है, लेकिन जब हमने GPS को प्रॉपर देखा तो वहाँ देखा मोबाइल सर्विस नहीं है और इंटरनेट नहीं है, तो हमें थोड़ा सा परेशान हो गया, हमने जाना किधर, अभी सफ़र तो बाकी है। तो फिर मैं वहाँ नीचे उतर के तो सामने 2-3 लड़के खड़े थे, उनसे बात की, अच्छा तो उनकी इंग्लिश आती थी, उनसे बात की, मैंने कहा ऐसे नेट नहीं आ रहा, कहते हाँ इस एरिया में नेट नहीं, आपको नहीं मिलेगा सर्विस, तो यहाँ पे जो है हमारे घर में इंटरनेट है। तो फिर मैं उस बंदे के घर के पास पहुँच नज़दीक गया, फिर उसने वहाँ से वाईफाई ऑन किया, फिर मैंने वहाँ से लोकेशन डाली, लोकेशन डालने के बाद फिर जो है वो लोकेशन मुझे नज़र आती रही। मतलब ये सफ़र बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा था, लेकिन जो है
नेट और ये चीज़ें हमें तो बाद में अंदाज़ा ही नहीं हुआ, अंदाज़ा ही बहुत लेट होने के बाद हमें अंदाज़ा हुआ कि ये चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। खैर सफ़र चलता रहा और इसी सफ़र के दौरान हम आस्ता आस्ता क्रॉस करते करते हम लोग चलते गए और बहुत ही अच्छा और ख़ूबसूरत व्यू थे सारे। ये कंट्री साइड है, ठीक है, ट्रक लेके घूम रहे हैं यहाँ। नहीं आगे से, आगे से यहाँ तो कैसे मुड़ना है? अरे आगे है भाई। ये हम लोग केमिकल लेके आए थे, ये एक चाचा है कि मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, बाकी सारे जो है ना वो पापा नीचे उतरे, बाकी सारे जो है फ्रेंच बोलते हैं। अभी चाचा माल उतारेगा, ये लिक्विड है थोड़ा, इसको कह सकते हैं ये हैजर्ड में आता है, लेकिन ज़्यादा हैवी हैजर्ड में नहीं है, मतलब कि डेंजरस रूट्स में नहीं है। तो ये तकरीबन है और 10 रोल्स चाचा यहाँ पे निकालेगा। यहाँ पे टेम्परेचर जो इस वक्त है ना, ये पूरा हिल एरिया है, यहाँ पे जो इस वक्त जो टेम्परेचर चल रहा है ना वो 10 सेंटी है, और जो टोरंटो में है वो टेम्परेचर इस वक्त चल रहा है 22, 23 या 24 है, 20-30 तक भी जा रहा है, लेकिन यहाँ पे सर्दी है, मौसम बहुत ठंडा है। और यहाँ आने में हमें काफ़ी टाइम लगा, बीच में कोई 40-50 किलोमीटर का एरिया ऐसा था जो हमें बहुत स्लो में आना पड़ा 30-40 की स्पीड में, क्योंकि हिल एरिया है। तो मैं बीच में वीडियो भी डाली होगी, देखेंगे आप, तो बहुत अच्छा व्यू था, जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये है कि ट्रकर के लिए तो सारी बात है टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, तो टाइम के हिसाब से होता है सारी चीज़ें। तो ये अभी जो है यहाँ से मूव करेगा केमिकल्स स्लोली स्लोली, और ये यहाँ ये अंदर लेके जाएगा केमिकल के अंदर। बहुत बड़े बड़े ड्रम बनाते हैं, बहुत सामने ड्रम आपने देखे आज, आई थिंक सो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं ये तो मुझे भी पता नहीं है, पर ये चीज़ें इस चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पे आए। और थोड़ा सा टफ होता है यहाँ आना, रोड्स अभी आपको दिखाता हूँ मैं कि यहाँ पे रोड्स कैसे हैं, या इसके दाएं बाएं कुछ भी नहीं है, और वो पीछे एक थोड़ी सी आबादी आई थी, आबादी मतलब शायद थोड़ा सा कुछ घर आए थे रस्ते में, खूबसूरत खूबसूरत बहुत प्यारे प्यारे घर बने हुए हैं, लेकिन वो उन लोगों के लिए जो यहाँ पे विलेज में रहते हैं। और सर्दी काफ़ी ज़्यादा, मौसम ठंडा है, ओ यहाँ पे आप देख लें कोई गाड़ी, एक गाड़ी गुजरेगी यहाँ से, लेकिन खूबसूरत रोड है और धूप निकल आई ज़बरदस्त, मज़ा आ गया। तो फाइनली हम लोग यहाँ पहुँच गए, और यहाँ पे मैं बता रहा था ये देखें ये ड्रम्स हैं, आई थिंक सो ये ड्रम्स मुझे जहाँ तक लगता है शायद ये यूज़ होते हैं सेवरेज के लिए, मुझे ऐसा अंदाज़ा है, क्योंकि काफ़ी बड़े बड़े ड्रम्स हैं हैवी, और ये अंदर बनाते हैं यहाँ पे। और ये जो केमिकल आया ये USA से केमिकल आया यहाँ पे, और यहाँ से ये मेरा अंदर मैंने फैक्ट्री देखी अंदर, खैर अच्छा नहीं है कि मैं अंदर की जाके वीडियो बनाऊँ, वो मुनासिब नहीं है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग काम करते हैं, बिल्कुल ये शहर से तो बहुत दूर है, तकरीबन 70-80 किलोमीटर दूर है, बिल्कुल गांव में हम लोग बैठे हैं, बैठे नहीं खड़े हैं। तो बहरहाल एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा कुकिंग मेरा, मैंने कहा ना हर रोज़ कुछ ना कुछ बंदा सीखने को मिलता ही मिलता है। तो बंदा यहाँ पे आए रस्ते में आए, बहुत हिल एरिया था, उसको आए, और एक जगह पर ऐसा हुआ कि नेट ही नहीं था वहाँ, फिर कोई 40 किलोमीटर ऐसा एरिया आया जिसमें नेट और फोन काम नहीं कर रहा था, ये कनाडा की बात कर रहा हूँ। फिर हम लोगों ने वहाँ ट्रक खड़ा किया, पर एक बंदे को मिले, हमारे लिए लकी ये था कि वो जो बंदा हमें मिला उस बंदे के पास जो था उस इंग्लिश आती थी, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे लोग फ्रेंच ही बोलते हैं। तो उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि मैंने कहा मेरा यहाँ पे GPS बंद हो गया है तो मुझे नेट चाहिए, तो उसने फिर घर लेके गया, घर से उसने वाईफाई बताया, फिर वाईफाई से मैंने अपने मोबाइल में किया, फिर लोकेशन डाली, फिर हम लोग यहाँ पहुँचे। रस्ते में फिर नेट बंद हो गया, लेकिन एक दफ़ा GPS आप ऑन कर लेते हो तो फिर आपको क्या होता है कि वो सर्विस चलती रहती है। तो इस तरह करके हम लोग पहुँचे। अब ये कनाडा का मैं बात बता रहा हूँ, कनाडा में ऐसी लोकेशन थी जहाँ नेट नहीं था और फ़ोन बंद था, सिर्फ इमरजेंसी कॉल थी, लेकिन वहाँ से हम चलते आए, कोई सिंगल रोड था, चलते चलते हम लोग आते रहे और फिर यहाँ पहुँचे। तो ऐसे कनाडा में मैंने दोस्त से बात की, मैंने कहा यार ये हैपेंड हुआ है, कहता कि यार कनाडा में बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पे इंटरनेट और फ़ोन सर्विस बंद हो जाती है अगर आप हिल एरिया में जाते हो। तो जारी बात है कनाडा बहुत बड़ा है, तो हम वेट कर रहे हैं एलन मस्क का,
एलन मस्क सैटेलाइट से मोबाइल्स का डेटा शुरू करेगा, अब कब करेगा पता नहीं, वो शुरू करेगा तो सबसे पहले हम मोबाइल ले लेंगे कि भाई हमें चाहिए स्पेशली ट्रकिंग के लिए। चलें जी एलन मस्क का वेट करते हैं, और फिर यहाँ ये बंदा फ्री डिलीवरी आस्ते आस्ते उतार रहा है, इसका भी वेट करते हैं कितना टाइम लेता है। बहरहाल ओवरऑल अगर एक्सपीरियंस देखें तो बहुत अच्छा रहा यहाँ आने का, रस्ते में बहुत सारी खूबसूरत, वो आप वीडियो में देख लेंगे, बहुत सारी खूबसूरत जगह भी आई, लेकिन खूब इन्जॉय किया। लेकिन थोड़ा से वरी भी हुए कि लोकेशन पे इतने दूर आए हैं, अगर लोकेशन प्रॉपर ना पहुँचे तो क्या होगा। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है हम लोग सही प्रॉपर लोकेशन पे पहुँच गए। चलें जी यहाँ से निकलेंगे, फिर भी लोड अनलोड हो रहा है, फिर नेक्स्ट देखते हैं किस तरफ प्लान बनता है जाने का। ओके जी वापस, सर्दी है ठंड है भाई। जी भाई वीडियो तो मेरी ख़त्म हो गई, आपने देख लिया, अभी एडिटिंग वगैरह कर रहा था तो मैं खुद नहीं करता, बेटी करती है एडिटिंग। तो ये जो पूरे एरिया में हम लोग गए तो इस चीज़ का अंदाज़ा हमें भी नहीं था कि हम लोग इतने वीडियो बनाने में और साइड सीन देखने में इतने ज़्यादा बिजी थे, इतने मज़ूस हो रहे थे उससे कि हमें पता ही नहीं था कि हमारा जो इंटरनेट है और हमारा जो फ़ोन सर्विस है बंद हो चुकी है। तो इसमें हमें अंदाज़ा तब हुआ जब वहाँ पर हम लोग फंसे। तो बहरहाल कभी कभी हैपन्स ये चीज़ें होती हैं, कनाडा बहुत बड़ा है, हर जगह पे सर्विस नहीं होती, उसके सर्विस ना होने की वजह ये थी कि मैंने पता किया था तो वो कहते हैं कि जहाँ बहुत ज़्यादा हिल्स एरिया होते हैं वहाँ पे सैटेलाइट से कुछ जगह पे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जाती है, क्योंकि एक 50 किलोमीटर या 60 किलोमीटर का एरिया है तो हो सकता है उसमें टोटल 20-25 घर हों, 30 घर हों, तो इतने ज़्यादा जो है वो टावर्स नहीं लगाते, तो वहाँ पर इंटरनेट सर्विस सैटेलाइट से दी जाती है उनको। तो बहरहाल ठीक है, कभी कभी इन चीज़ों को भी होता है, इन्जॉय करता है बंदा। तो हमने भी खूब इस ट्रिप को इन्जॉय किया, एज़ यूजल सारे ट्रिप्स इन्जॉय होते हैं, ये भी हुआ। तो चलें ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई होप कि आप मैं जो भी चीज़ें मैं आपको देता हूँ खूबसूरती नज़र आती है, कुछ चीज़ें नज़र आती हैं तो वो मैं साथ साथ आप लोगों को बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, लोगों तक पहुँचाइए, और जो जो ये तो ट्रकिंग की वीडियो है आगे मेरे जो कुछ इन्फॉर्मेशन आती रहेगी LMI और वर्क परमिट के ऊपर, और डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो मैं उसके ऊपर बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा था लेकिन मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी इसलिए मैं थोड़ा सा उसको रुक गया, कि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों तक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पहुँचे। तो ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।